कक्षा 10 गणित जो हम आप लोगों को सवाल बताते हैं इसके आगे का है सिद्धाचार्य से x स्क्वायर + c = 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac / 2a 3x स्क्वायर + 7 + 4 = 0 को सूत्र की सहायता से हल कीजिए सवाल को हम क्या करें 3x स्क्वायर + 7 + 4 = 0 को x स्क्वायर देखिए अगर इस रूप में सवाल दिया है बोला है उस सूत्र की सहायता से हल कीजिए ये सूत्र आपको याद कर लीजिएगा कि x स्क्वायर + bx + c = 0 तो x = - b + minus b स्क्वायर - 4ac / 2a हम यहां देख सकते हैं कि a है तो 3 है b है तो 7 है c है तो 4 है हम सूत्र लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस b बराबर 7 प्लस का माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b का वर्ग 7 का वर्ग माइनस 4 a बराबर 3 और c बराबर 4 7 का वर्ग हो जाएगा 49 4 का वर्ग 12 12 6 48 49 से 47 घटाएंगे हो जाएगा 1 तो 1 का वर्ग 2 हो गया 1 पॉजिटिव लेने पर अर्थात धनात्मक का चिन्ह लेने पर ये धन का चिन्ह लेंगे तो ऋण को छोड़ देते हैं तो ऋण 7 लिख दिए 7 लिख दिए ऋण को छोड़ेंगे तो धन 1 लेंगे आवर्तेंगे 6 ऋण 7 धन 6 ऋण 7 में से तब ऋण 7 का धन 6 करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा 6 से 6 कटा दीजिए माइनस 1 हो गया फिर नेगेटिव लेंगे x बराबर माइनस 7 माइनस अब इसमें से हम धन का चिन्ह छोड़ देंगे ऋण लेंगे तो ऋण 1 ऋण 7 और ऋण 1 जोड़ेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा आवर्तेंगे 6 2 से कटा देंगे 2 4 8